गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन हल्क बादल उप्रेति। मैंने आप पुरानी मेरी वीडियो देखी होगी अपने एप्स के लिए, सिक्स पैक्स एप्स कैसे आपने निकालने हैं। मैंने पुरानी वीडियो में 5-6 एक्सरसाइज बताई थी, बट वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो एडवांस एक्सरसाइज है। बेसिकली जो बंदे, जो नए नए बंदे आते हैं जिम के अंदर, उनके लिए शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा उसमें, क्योंकि वो एक्सरसाइज ऐसी है उसको एकदम से हर कोई बंदा कर नहीं पाता। या बेसिक एक्सरसाइज कौन सी ऐसी है जिसको हर कोई कर सकता है, लाइक ओवरवेट वाला भी कर सकता है, हल्के वेट वाला भी कर सकता है। तो कौन सी एक्सरसाइज ऐसी है जो मैं आपको बताऊंगा और आपके बहुत जल्दी एप्स उससे निकल जाएंगे। मैं आपको बताने वाला हूं, ज्यादा नहीं, तीन एक्सरसाइज बताऊंगा। तीन में आप चार भी कर सकते हो, उसमें एक एक्सरसाइज और ऐड कर सकते हो। तीन चार एक्सरसाइज बताऊंगा बेसिकली। लेकिन गाइस, एक्सरसाइज बताने से पहले आपको एक बात बोलना बहुत जरूरी है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो प्लीज गाइस, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें एक लाइक बटन होगा, एक बेल आइकन होगा, उसको सेट कर दीजिए, सो दैट जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। तो गाइस, मैं आपको बता रहा हूं एक्सरसाइज कैसे करनी है, आप ध्यान से देखना और इसको फॉलो करना। चैंपियनशिप की तैयारी चल रही है गाइस, मैं आप यकीन करोगे विद इन अ वीक मैं यही एक्सरसाइज कर रहा हूं और इस एक्सरसाइज से बहुत जल्दी मेरा फर्क पड़ रहा है। और अगर आपने इसको सही ढंग से किया और अच्छे रेपिटेशन निकाले, अच्छे मैक्सिमम रेपिटेशन निकाले, तो बहुत जल्दी आपकी जो है बॉडी में, आपके एप्स में जो है फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। बट बसरते उससे पहले आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि इसके साथ आपने डाइट भी फॉलो करनी है। तो गाइस, आप ध्यान से देखना मैं कौन सी एक्सरसाइज करा रहा हूं आपको। सिंपल, पहले ऐसे मैट आपने बिछा लेना, ये आपके घर पे भी आप कर सकते हो इसको। आप सिंपल पहले हाथ ऐसे रखिए, पीछे पैर को सीधा रखिए। पहली एक्सरसाइज जो है आपकी है, हाथ ऐसे रखने पूरे, अब हल्का सा नी को बैंड करना है। अब इस चीज में चीज का ध्यान रखना, आप जब आपके पैर पूरे नीचे जा रहे हैं तो हाथ पूरे पीछे जाएंगे, और जब आप ऊपर आ रहे हो ऐसे तो आपने गर्दन नहीं उठानी है, अपने बॉडी उठानी है और इसको जो है एब्स को टाइट करना है, और साथ में आपने सांस भी छोड़नी है। तो आप जब सांस छोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली पेट आपका टाइट होगा, तो बेसिकली पेट को आपने टाइट करना है। पहली एक्सरसाइज आपकी। दूसरी एक्सरसाइज है आपकी, सिंपल आपने पैर को ऐसे रखने इस तरीके से, और आपने अगेन इस तरीके से मारनी। अब आपने इसमें एक गलती, जनरली मैं जो देखता हूं, जनरली क्या करते हैं गलती, सभी लोग जिनको मालूम है वो भी और जिनको नहीं मालूम है वो भी, एक मिस्टेक करते हैं इसमें कि जो उठ नहीं पाते वो गर्दन ऐसी घुमाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जिसको स्पेशली सर्वाइकल का प्रॉब्लम है उसकी ज्यादा दिक्कत हो सकती है गर्दन में, तो आपने गर्दन नहीं उठानी है, आपने पूरी बॉडी उठानी है। तो आपने ऐप से उठाना पूरी बॉडी को, हाथ आप हल्का सा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आप यहां पर रख सकते हो। मैं सांस छोड़कर इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपने कहां पर सांस छोड़ना है, सो देट आपको मालूम हो जाए कि कहां पर सांस छोड़ना है और कैसे आपने पेट को टाइट करना है। दो एक्सरसाइज हो गई, इसके साथ आप तीसरी एक्सरसाइज भी ऐड कर सकते हो। इसमें लेग रेस, हल्की से हाथ को नीचे रख के ऐसे, सो देट आपको ग्रिप आ जाए। तीन एक्सरसाइज होगी गाइस। चौथी एक्सरसाइज, अगर आपके साइड में, अगर आपका साइड फैट ज्यादा है या फिर आपके ऑब्लिक नहीं है, तो ऑब्लिक के लिए बेस्ट एक्सरसाइज मैं बता देता हूं। लेट के आप मारोगे, आप खड़े होकर भी मार सकते हो ये एक्सरसाइज, खड़े होकर भी कर सकते हो, बट लेट के क्या होता है ज्यादा रेपिटेशन निकलते हैं, और अगर आप सही तरीके से मारोगे तो बहुत जल्दी ऑब्लिक निकलेंगे। इससे इस तरीके से होना चाहिए, हल्का सा नी बैंड होना चाहिए आपका, ये आपका एल्बो और नी दोनों टच होने चाहिए। इस तरीके से, तो ये आपके ऑब्लिक के लिए हो गए। तो चार एक्सरसाइज हो गए आपके एब्स और ऑब्लिक। अगर ऑब्लिक का आपने मारना है तो ऑब्लिक भी आप ऐड कर सकते हो। गाइस, आपको एक चीज बता रहा हूं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप पहले दिन कम मारिए, दूसरे दिन बढ़ाते जाइए, ऐसे आप रेगुलर में भी इसको कर सकते हो, रेगुलर डे में भी इसको कर सकते हो। इसके अलावा इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप एक बार में 30, 40, 50 जितने रेपिटेशन मार सको आप मार सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखिए गाइस, कि आपने इसमें जो रेपिटेशन निकालने फील करके निकालने, अगर आप फील नहीं करो, आप 100 रेपिटेशन मारो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। आप फील करो, पेट को टाइट करके मारो, अच्छे तरीके से फील करके मारो, गारंटी के साथ बोल रहा हूं गाइस, आपके एब्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। पेन होने का मतलब है कि आपने वर्कआउट किया है। तो गाइस, जाने से पहले फिर से आपको एक बार बोलूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें एक लाइक बटन होगा, एक बेल आइकन होगा,
उसको सेट कर दीजिए सो देट आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी अपडेट हो जाएगी। गाइस मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज इसमें कमेंट जरूर करिए, और जाने से पहले मेरे को ये जरूर बताइए कि मेरी वीडियोस कैसी होती हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।